नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप? मेरा नाम है सादिया रहमान और मैं आज फिर एक बहुत अच्छी कहानी आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। ये कक्षा दो की कहानी है और इसका शीर्षक है शेर और चूहे की दोस्ती और पुस्तक का नाम है सारंगी। ये कहानी जो है हर कहानी की तरह बहुत अच्छी लगेगी आपको और कहानी सुनने के बाद आपको इससे सीखने को भी बहुत कुछ मिलेगा। और आप देख रहे हैं ना, मैं कहाँ हूँ? जी बच्चों, मैं हूँ जंगल में। जंगल की अपनी एक दुनिया होती है, यहाँ भी बहुत सारे प्राणी रहते हैं, जैसे कि शेर रहता है, चीता रहता है, लोमड़ी है, बिल्ली है और ये बंदर है और यहाँ चूहा भी रहता है। तो जो हमारी कहानी है इसमें हम देखेंगे कि शेर की दोस्ती यानी जंगल के राजा की दोस्ती ऐसे छोटे से चूहे से कैसे हो जाती है ना? तो आइए कहानी शुरू करते हैं। आप तैयार हैं ना? तो सुनिए कहानी। शेर मतवाली चाल से चला जा रहा था, अचानक उसे हल्की सी चीख सुनाई दी। एक चूहे की पूंछ उसके पंजे के नीचे आ गई थी। शेर ने अपना पैर हटाया, चूहा फुदक कर झाड़ियों में चला गया। अब एक दिन क्या हुआ, शिकारी ने शिकार पकड़ने के लिए जाल बिछाया। उस जाल में शेर फंस गया। वो जोर जोर से दहाड़ने लगा। जंगल में रहने वाले हाथी, भालू, हिरन, खरगोश, लोमड़ी, बंदर और अजगर समेत सभी पशु पक्षियों ने दहाड़ सुनी, पर कोई भी शेर की सहायता को नहीं आया। ना, चूहा जरूर भागा भागा वहां आया। वो अपने पैने दांतों से जल्दी जल्दी जाल को कुतरने लगा और कुछ ही पल में सारा जाल कट गया और शेर आजाद हो गया। कहानी कैसी लगी बताओ जल्दी जल्दी, अच्छी थी ना? इस कहानी से हमें क्या संदेश मिलता है बताओ ना? देखो, इससे हमें पता चलता है कि बल सिर्फ लंबा चौड़ा होना नहीं है, बड़ा होना, रौबदार होना, हाथ पैरों से जानदार होना केवल बल और शक्ति नहीं होती। बल वो है जो स्वतंत्रता से जीने के लिए किसी को भी सक्षम बना सके। ये कहानी बताती है कि हर स्थिति में, हर परिदृश्य में बल और शक्ति का अर्थ बदल जाता है। ये कहानी ये भी बताती है कि किसी को भी कृतज्ञ नहीं होना चाहिए। बड़ा और बलवान वो ही होता है जो दूसरे